मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना के तहत कोरोना काल के समय के बिजली बिलों में राहत दी गई है। इस योजना में 1 किलोवाट तक घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल की राशि माफ की जा रही है। खास बात यह है कि यदि किसी उपभोक्ता ने इस बिलों का भुगतान कर दिया हो तो उसका समायोजन आगामी बिल में किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को बैटमा के एक निजी गार्डन में सुबह 11 बजे सांसद शंकर लालवानी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बैटमा क्षेत्र के 5,539 उपभोक्ताओं को 3,82,18,000 के विद्युत बिल माफ के प्रमाण पत्र बांटे गए। तो वहीं चिकलोड़ा क्षेत्र के 2,727 हितग्राहियों के 1,82,63,000 के बिल माफ किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत उपाध्यक्ष गोपाल सिंह चौधरी ने की। इस अवसर पर नगर व क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक व हितग्राही उपस्थित रहे। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। अधिकारी को निर्देश देंगे, वो यही निराकरण करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि हमारे गरीब लोगों की अगर कोई समस्या है तो उनको तुरंत निराकरण करें, उसको चक्कर भी लगवाएं। तो अगर कोई चक्कर लगवाता है, अगर कोई परेशान करता है तो आप बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि गरीब लोगों बार बार चक्कर लगाए, उनका काम नहीं हो। दूसरा, मैं एमपीपी के अधिकारी थे, आप इधर आइए। ये अधिकारी यहाँ है। इस कार्यक्रम के बाद आप हमारे विद्युत उपभोक्ता जो कोरोना के समय विषम परिस्थिति में से निकल रहे थे, उनके बिल स्थगित किए थे और बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बिल माफ किए। आज हम बैठवा में हैं और बैठवा क्षेत्र के जो विद्युत के बिल हैं, लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा के बिल बैठवा में ही माफ किए गए। आज हमने जो माफ़ी के जो प्रमाण पत्र हैं वो जनता को बांटे हैं। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और उन्होंने ये भी धन्यवाद दिया कि जो केंद्र सरकार से निःशुल्क अनाज मिल रहा है, जो राज्य सरकार से निःशुल्क अनाज मिल रहा है, ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश में तेजी से काम कर रही है। गाँव गरीब किसान बहुत खुश है इनके राज्य में। सर, आज माननीय मुख्यमंत्री राहत योजना विद्युत बिलों में 1 किलोवाट तक विद्युत बिलों में राहत योजना जो शासन द्वारा लागू की गई है, उसके प्रमाण पत्रों का कार्यक्रम माननीय सदस्य सांसद इंदौर क्षेत्र श्री लालवानी जी के सानिध्य में संपन्न हुआ है, जिसमें कि पीथमपुर संभाग के इंदौर विधानसभा क्षेत्र के बैठमा वितरण केंद्र एवं चित्रोना वितरण केंद्र के हितग्राही यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें कि बैठमा वितरण केंद्र के इसमें लाभार्थी उपभोक्ता जो हैं वो करीब हैं 5,539, जो 1 किलोवाट तक के घरेलू बिल के बिल माफ़ हुए हैं उनकी राशि है सर 3,82,18,200 रुपये। इनके प्रमाण पत्रों का वितरण का कार्यक्रम ये बयानी गार्डन में सभी अतिथिगण एवं उपस्थित हितग्राहियों के समक्ष वितरित किए गए हैं। इसी प्रकार चिकलौना वितरण केंद्र जो कि इंदौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत की है सर, उसमें माननीय सदैव सांसद महोदय के सानिध्य में कुल 2,727 हितग्राहियों के करीब 1,82,63,433 रुपये की राशि माफ के प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है सर। और ये आज बयानी गार्डन में शासन द्वारा जो घोषित योजना है उसका लाभार्थी लाभ दिए गए। आपका नाम और पता? टीसी चतुर्वेदी, कार्यपालन नियुक्ति, पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।